राज कक्षा 10 दायित्व केर शाखा मुख्य शिक्षक सांगानेर नगर 30 अप्रैल 2023 को केर शाखा की एक भव्य साइकिल यात्रा का आयोजन होगा, जिसका मार्ग निम्न प्रकार से होगा। प्रातः 4 बजे केशव शाखा अर्थात आदर्श विद्या मंदिर से होते हुए साइकिल यात्रा प्रारंभ होगी, जो गोविंद देव जी बिरला मंदिर, गोविंद देव जी ताड़केश्वर महादेव मंदिर बिरला मंदिर व मोती डूंगरी से होते हुए फतेहा गेट से शाखा केशव शाखा की ओर वापस प्रस्थान करेगी। संस्कृति सब की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन। जय है, मैं कक्षा 8 में हूँ और मेरी शाखा का नाम केशव शाखा है। आज मैं आपको मेरी साइकिल यात्रा का अनुभव बताने जा रहा हूँ। मेरे को साइकिल यात्रा के बारे में केशव शाखा के प्रमुख लक्ष्य जी के द्वारा पता चला था। हमें 30 तारीख को जाना था, सुबह चार बजे जाना था और शुल्क था मात्र 20 रुपये। हमें आपकी साइकिल यात्रा कैसी रही? मेरी साइकिल यात्रा बहुत अच्छी रही। बीच के अंदर मैं पीछे भी रह गया था, फिर बाद में मैं आगे आ गया था और मेरी साइकिल की चेन 12 उतर जा रही थी। साइकिल यात्रा के निमित्त हमें रात्रि को 29 अप्रैल को यहीं पर रोका गया। हम रात को बड़े उत्साह के साथ थे कि हम सुबह साइकिल यात्रा पर जाने वाले हैं। हम में से बहुत को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम 35 किलोमीटर तक साइकिल चला लेंगे, पर सभी ने पूरे उत्साह के साथ चलाई। सुबह हमें 4 बजे यहाँ से साइकिल यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। हम यहाँ से पूरे उद्घोष और अनेकों उद्घोष और जोश के साथ गोविंद देव जी के मंदिर पहुँच के गोविंद देव जी के दर्शन करें, फिर वहाँ से हम मोटी डूंगरी गणेश जी के लिए रवाना हुए। मोटी गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम बिरला मंदिर पहुँचे, वहाँ जाके हमने शाखा लगाई है ना। हमें प्रांत घोष प्रमुख बुद्धि प्रकाश जी का बौद्धिक प्राप्त हुआ। उस चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो, नाम चेतन, कक्षा 10 प्राथमिक वर्ग शिक्षित। हमारी शाखा केशव पर 10 दिन पहले साइकिल यात्रा आयोजन के बारे में बताया गया था। मुख्य शिक्षक और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कई बैठकों के प्रयास से साइकिल यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया गया। बैठकों में कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए थे। केशव शाखा स्थल 29 तारीख को आदर्श विद्या मंदिर में सभी स्वयंसेवकों को रात्रि विश्राम के लिए रोका गया और प्रातः 30 तारीख रविवार को 4 बजे साइकिल यात्रा प्रारंभ हुई। जोशीले और उत्साह के साथ हम गोविंद देव जी दर्शन के लिए गोविंद देव जी मंदिर
पहुँचे और वहाँ मंगल आरती में हमने भाग लिया। वहाँ से हम कुछ समय पश्चात मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर उसी जोश और उत्साह के साथ पहुँचे और वहाँ हमने गणेश जी और बिरला मंदिर के दर्शन करे और वहाँ हमने साका लगाई और हमें वहाँ पे पुनः हम मोती डूंगरी गणेश मंदिर से उत्साह और जोश के साथ पुनः साका स्थल की ओर नाम मयंक दायित्व केशव शाखा कार्यवाह साइकिल यात्रा एक भव्य यात्रा हमारी केशव शाखा की एक साइकिल यात्रा हुई जिसमें रात्रि 9 बजे स्वयंसेवक विद्या मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए आए। रात को सभी साइकिल पर ध्वज पताकाएं लगा दी गई थी। सुबह 3:45 से साइकिल यात्रा शोभा यात्रा 3:45 पर साइकिलों का संपत किया गया तथा 4 बजे यहां से प्रस्थान किया गया। यहां से विद्या मंदिर से सांगानेर थाना होते हुए श्री ठिकाना गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। वहां की मंगला आरती के दर्शन के तत्पश्चात वहां से प्रारंभ होकर सभी स्वयंसेवक ताड़कीश्वर महादेव के दर्शन करते हुए बिड़ला मंदिर की ओर प्रस्थान करें। बिड़ला मंदिर रुककर सभी स्वयं मोती टुंगरी गणेश जी का भी दर्शन किया। तत्पश्चात वहां बिड़ला मंदिर का दर्शन कर सभी स्वयंसेवक एक स्थान पर बैठे। वहां शाखा लगाई गई तथा प्रांत घोष प्रमुख बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब का उद्बोधन हुआ। इस यात्रा में महानगर प्रचारक भाई साहब सचिन जी उपस्थित रहे। तत्पश्चात प्रार्थना हुई। प्रार्थना के पश्चात सभी स्वयंसेवकों ने अल्पार किया। उसके अल्पार पश्चात वापस सभी साइकिलों का संपत हुआ। ठीक पश्चात पत्रिका गेट WTP होते हुए सभी स्वयंसेवक विद्या मंदिर आए। Let's go!